बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किटो कबाब लेने के लिए मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया है, आधा किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा ये आधा किलो से ज़्यादा है, लेकिन आप आधा किलो की रेसिपी जो है वो जहन में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही एक खाने का चम्मच भर के लहसुन और एक ही खाने का चम्मच भर के लिया है मैंने अदरक। चार सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने। सब्ज़ मिर्चें आप देख के लें, अगर ये खाने में तीखी हैं तो फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से, तो मैंने फिलहाल सिर्फ चार ही ली हैं। तो सब्ज़ धनिया मैंने लिया है, इनको हम अच्छे से चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कीमा हमारा बिल्कुल फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है, लेकिन मुझे इसको और कबाब के लिए रेडी करना है। इसको मैं थोड़ा सा और दो तीन चक्कर लगाऊंगी। वो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि तेरे तो पहले ही कुछ नहीं रहा, हम इसके पहले कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस तरह इसको हमने बारीक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन मैंने कर दी है बंद और इसको अब मैं अपना इसका हाल दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त कीमा तैयार हो गया है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र करूंगी और इसके साथ ही मैं अपनी करूंगी सब्जियों की कटिंग। इसको रखूंगी अब मैं साइड पे और अब बारी है मेरी सब्जियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बंद गोभी लूंगी और मुझे ये देखें, एक ये साइड है, ये थोड़ी सी मोटी है, ये साइड ज़्यादा बारीक है, ये भी बहुत बारीक है, लेकिन मुझे ये जो मीडियम साइज़ है इस साइड से कद्दूकश करना है। बंद गोभी के फवाइद आप सबको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस लो कैलरीज है, बहुत अच्छी है डाइट के लिए और सेहत के लिए, इसमें बिल्कुल कैलरीज नहीं होती। इसको आप डेली अपनी रूटीन में यूज़ में रखें, सैलेड में रखें, इस तरह रखें, बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये देखें आधे फूल को मैंने कद्दूकश कर ली है, ये आप देख सकते हैं। ये फूल मैंने कट नहीं किया क्योंकि इस तरह मुझे कद्दूकश करने में इस तरह बहुत आसानी हुई है और मैंने झटपट कद्दूकश कर ली है। अब मैं साथ ले लूँगी गाजर। गाजर भी आपको पता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें ज़्यादातर पानी होता है। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी है, डाइट जो करते हैं लोग उनके लिए बहुत अच्छी है। आज मैं कबाब जो है बहुत फरमाइश पर बना रही हूँ, मेरी बेटी ने फरमाइश की है, वो आजकल डाइट पर है कि अम्मा मुझे कबाब बना के दे दो। इसको आपने इसी शे साइड से कद्दूकश कर लेना है। ये थोड़ी सी कम लग रही है तो ये थोड़ी सी मैं फुल गाजर नहीं लेकिन थोड़ी सी मैं गाजर इसमें और ऐड करूंगी। ये देखें ये काफ़ी है, थोड़ी सी मैंने ली है। अब मैं साथ लूंगी शिमला। शिमला भी एक मैंने ली है। आप इसको डाइट में, डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल में रखें, ख़ास तौर पर जो डाइट पर जाते हैं लोग, आम रूटीन में भी खाने में ये बहुत अच्छी है और इसका जायका बहुत अच्छा आता है खाने में। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, डाइट से हट के भी आप ये कबाब बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें जनाब, बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकश किया है मैंने इसको। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इसको बारीक कटिंग में भी करके डाल सकती थी, लेकिन उस तरह कबाब में हमें डालने हैं तो जिस तरह कबाब की हमें बॉन्डिंग चाहिए वो नहीं होगी, इस तरह कबाब भी अच्छी बॉन्डिंग में आएंगे। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो आप लाइक करें, कमेंट करें। बहुत टाइम के बाद मैं दोबारा से वीडियो पे बोलना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की आ रही थी कि आप वीडियो पे वॉइस ओवर ही किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जियों को मैं अंदर चिकन में डालूंगी और ये देखिए इतनी कलरफुल कबाब आपके बनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के जायके के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन गाजर और बंद गोभी जो है ये तो आप लाजमी डालें। सिर्फ बंद गोभी भी डाल सकते हैं, सिर्फ गाजर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखें इतना खूबसूरत और जायके में इतने अच्छे लगते हैं कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएँ कि आपके कैसे लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक टेबलस्पून भर के सोया सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना है, लेकिन इससे इसका जो जायका है वो बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, सब्ज़ मिर्ची मैंने पहले डाली हुई थी, उस हिसाब से आप अपने जायके के हिसाब से, आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा आप तीखा बना लें, लेकिन ये डाइट के लिए मैं बना रही हूँ। काली मिर्च मैंने डाली है एक टी स्पून भर के,
और साथ ही खुश्क धनिया एक टीस्पून, नमक हसबे जायका आप डाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने एक चम्मच जो है खाने का वो डाला है। तो और साथ ही लहसुन पाउडर मैंने फ्रेश भी डाला है, लेकिन इससे थोड़ा सा जायका अच्छा आता है, तो लहसुन पाउडर जो है वो मैंने हाफ टी स्पून पाउडर भी यूज़ किया है। इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स, जो इसकी कसर बाकी रह गई है वो हम अब पूरी करेंगे। सारा दारोमदार इसकी कबाब की बॉन्डिंग का आपकी मिक्सिंग पे आता है, इसको अब अच्छे से आपने मिक्स करना है। और कबाब कीमा आप चेक कर रहे होंगे कि कितना मैंने बारीक की है। इसका बारीक करने की एक बहुत ज़्यादा वजह है कि इसको मुझे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आम नॉर्मली हम जो कबाब बनाते हैं थोड़ा सा हम ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन इसके अंदर वेजिटेबल सब्ज़ियाँ मैंने डाली हैं, तो मेरी कोशिश है कबाब कम से कम पकें ताकि सब्ज़ियों की जो गिजाइत जिस तरह हम लेना चाह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हमें मिले। ये देखें, बिल्कुल मैंने कोई ऑयल इसमें नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये कीटो कबाब है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा जो आपके लिए अनहेल्दी होगा। देखिए बिल्कुल दो फिंगर जो है उंगलियाँ वो मैंने ऑयल में डिप की हैं, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया। इसकी को मैं ऐसे करूँगी, दोनों हाथों से फिर रब करूँगी, इसको मैं कबाब बनाऊँगी। देखिए मैंने आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी नहीं डाला, ये देखें ना अंडा ना ब्रेड क्रम्स, कोई फ्लोर कुछ नहीं डाला। इसी तरह आपने अच्छी सी शेप के कबाब बना लेने हैं। ये देखें, शेप पे आप ज़्यादा फोकस ना भी करें तो खैर है, लेकिन मैं फिर भी ये देखें इस तरह आपने इसको बना के फ्राई करना। तवा मैंने यूज़ किया है, आप पैन भी ले सकते हैं। सिर्फ एक चम्मच ऑयल से मैं इसको ग्रीस करूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। जो ऑयल का सारा इकट्ठा हो गया है तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके फैला के यहाँ डाल दूँगी ताकि बाकी कबाब की जगह भी बन जाए। ये देखें बिना ऑयल के कितना अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया है। अगर आप लाइट पर नहीं हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल और भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि कीमे को इतना बारीक करने की वजह क्या है। ये बिल्कुल देखें पक गए, और मैंने इसको आहिस्ता आँच पे पकाया है, बिल्कुल तेज़ आँच नहीं मैंने रखी। ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। पहली लेयर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली लेयर मैंने इसकी लगा दी है। अब ये देखें जो घर में आम के आम शॉपिंग बैग आते हैं वो इसके ऊपर मैं रखूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो आप आम घर में रूटीन में बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो आप ये बैग जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लेयर भी तैयार हो गई है और ये एक बच गया है, इसके लिए मैं इसको भी इस तरह कर दूँगी। ये देखें इसको मैं इसके ऊपर ऐसे डबल करूँगी ताकि जो बर्फ़ है इसके ऊपर इसकी लेयर ना आए, फिर भी इसके ऊपर मैं कवर चढ़ाऊँगी। इसको आप फ्रीज़र में रखें, आप एक महीने तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी कीटो कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से और आसान रेसिपी से तैयार हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इस तरह इसको बनाएं और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अपने अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।